सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में ना का भाई कुछ इस टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले गाइस आप अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले गाइज आप लोग को लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा और जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने ऑल फोटोज का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर टाइप करके आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइज इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते। तो सबसे पहले स्टेप के लिए साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग अपनी फेस को स्मूथ करने वाले हैं। तो उसके लिए डिटेल्स के आइकन पे आएंगे और आने के बाद शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 44% कर लेंगे। मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 36% कर लेंगे। नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 35% करके नीचे आ जाएंगे। और नीचे आने के बाद इसकी कलर्स वाइज रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 31% करके पूरा नीचे आ जाएंगे। और पूरा नीचे आने के बाद आप लोग के सामने एक स्मूथनेस का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे इंक्रीज करके 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और आपका भाई एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो गाइस दूसरे स्टेप भी इससे ज़्यादा आसान होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे ना, इसकी लाइट वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% कर लेंगे। हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -49 कर लेंगे। और वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। सिंपल से इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 28% और इसकी वाइट्स की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 29% और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू डिक्रीज करके -18 कर दीजिएगा। और ये सेटिंग आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर बिफोर आप यहां से फोटो को देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप तीसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरे स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए तीसरा स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग कलर्स के आइकन पे क्लिक करेंगे और कर लेने के बाद सबसे पहले टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 4% कर लेंगे। इसकी टिंट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 20% करेंगे। वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 21% कर लेंगे। और इसकी सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लेंगे। और ये सेटिंग आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। और ये सेटिंग कर लेने के बाद ना आपको ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पर क्लिक करना होगा। और कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग का रेड कलर सिलेक्ट मिलेगा, तो इसकी सिचुएशन की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 18% कर लेंगे। देन दोस्तों इसका आप लोग को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि हम लोग का फेस वाला कलर है। इसकी ल्यूमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% कर लीजिएगा। सिचुएशन की वैल्यू आप डिक्रीज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे -7 कर लेता हूँ। अगर आपको अपने फेस को ज़्यादा वाइट करना है तो इसे कम और ज़्यादा आप लोग कर लीजिएगा। सिंपल से गाइस इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना होगा। और ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसकी यू को आप लोग पूरा डिक्रीज करके ना -100 कर दीजिएगा। सिचुएशन को इंक्रीज करके प्लस साइड में 100%, लुमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 53% करके इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी सिचुएशन को डिक्रीज करके -100 करके और यहाँ से आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है ये भी आपका भाई बताएगा, फोटो को फुल एचडी में कैसे एडिट करेंगे ये भी बताएगा, और वन क्लिक में कैसे एडिटिंग किया जाता है ये भी आपका भाई बताएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे आएंगे और ऐसे हम लोग साइड में स्क्रॉल करके यहाँ पे हाईलाइट वाले सेक्शन में चले आएंगे और अपने फिंगर से पकड़ के इसे ब्लू साइड में ऐसे घसीट के कर देंगे। जितना आपको नीड है यहाँ से कर लीजिएगा।
लीजिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आके बैलेंस को इंक्रीज करके प्लस साइड में 23% कर लीजिएगा, ब्लेंडिंग को 77%, लूमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -33 करके और ऊपर साइड में डन वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और ये सेटिंग कर लेने के बाद आल्टो वाला की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो चौथे वाला लास्ट स्टेप में इफेक्ट के आइकन पे आके इसकी विग्नेट की वैल्यू कम करके -25 कर देंगे, क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -6 कर देंगे, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर देंगे। और ये सेटिंग कर लेने के बाद आपकी कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी, जो देखने में काफ़ी औसम एंड फारसी दिख रही है। और मैंने इस फोटो का प्रीसेट ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में एडिटिंग कर सकते हैं। और फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।